सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इनविंसिबल बाइकर। और आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हमने GoPro 11 ले ही लिया फाइनली। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं GoPro 11 ब्लैक और क्या क्या इसके साथ एक्सेसरीज हमें मिली है। तो कुछ ऐसा इसका बॉक्स रहने वाला है। ये मैंने अमेज़ोन से बाय किया है और विद 24 मंथ्स वारंटी के साथ है ये हीरो GoPro 11 ब्लैक। सो इसमें कुछ ये फीचर्स दिए हैं जो कि आपको शायद अभी नज़र आएंगे। 27 मेगापिक्सल कैमरा विद 5.3K 60fps प्लस 4.3K 120fps। सो बहुत सही ये कैमरा है। मैंने वैसे तो इसे अनबॉक्स कर लिया बट आपके लिए दोबारा इसे अनबॉक्स करते हैं। सो कुछ ये है GoPro का केस और ये काफ़ी सॉलिड केस है, इसका अच्छा केस है और ये कैरिंग आप कर सकते हो। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं। तो चलिए आपके लिए GoPro ओपन करते हैं। तो इसमें आपको दिख जाएगा कैमरा, माउंट्स हैं और ये इसकी केबल है, चार्जिंग केबल, और कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स दिए गए हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। वैसे मैंने तो इसे अनबॉक्स कर लिया है, यहाँ पे कवरिंग थी पूरी प्रॉपर तो वो मैंने निकाल दी है। अभी कैमरा कुछ इस प्रकार का है ये कैमरा, भाई साहब फील देखो आप। सो ये लुक, और यहाँ पे दो बटन्स दिए गए हैं हमारे पास। ये क्विक कैप्चर होता है और इसमें अलग अलग फंक्शंस आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से है इसका मोड बटन जो कि एक स्टार्टिंग बटन है, आप यहाँ से कैमरा स्टार्ट कर सकते हो। इसे एक बार प्रेस करें और आपका कैमरा स्टार्ट। सो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की क्लियरिटी इसमें है और काफ़ी फंक्शंस है इसमें, बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस हैं भाई। मेरे को खुद को इसको समझने में काफ़ी टाइम लगा है और अभी भी समझ ही रहा हूँ। सो कुछ ऐसा नज़ारा है भाई कैमरा का। और ये हम मैं देख सकते हो आप, डुअल स्क्रीन इसकी ऑन है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल चीज़ है ये। इसके साथ ही ये माउंट्स जो हैं, ये हेलमेट माउंट्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये प्लास्टिक रबर को ओपन करके हमें इसे यहाँ पे पुश करना है तो ऐसे ये फिट हो जाएगा और फिर आपको इस रबर को चढ़ा देना है और बंद कर देना है। तो इस क्लिप को निकाल के आप अपने हेलमेट पे अपने एंगल के हिसाब से इसे फिट कर सकते हो। मिलती है टाइप सी डाटा केबल, इसको आप डाटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो GoPro 11 के लिए हमने इसकी प्रोटेक्टिव केस भी हमने ऑर्डर किया था जो कि है उलानजी, और ये प्लास्टिक केज फॉर GoPro 9 है बट कंपेटिबल टू ऑल GoPro है ये। सो इसको भी हम अनबॉक्स कर देते हैं इसी वीडियो में। तो कुछ ऐसा ये केस रहने वाला है, इसके अंदर आप अपना GoPro यहाँ माउंट कर सकते हो अंदर, और थोड़ा ये सेफ कर देता है आपके GoPro को कुछ इस तरह का। इसमें ये मीडिया मोड्स हैं। सो कुछ ऐसा ही रहने वाला है अगर हम केस में फिट कर देंगे कैमरा को, तो कुछ ऐसा ये हार्ड केस बन जाएगा जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा हैवी हो जाता है, हल्का सा, माइनर सा, बट ठीक है, सेफ रहेगा कैमरा तो अच्छा रहेगा। सो कुछ ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उलानजी केस का पूरा एक प्रॉपर मींस रिव्यू और इसको यूज़ कैसे इंस्टॉल करना है कैमरा को उसमें, तो वो पूरा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल द इनविंसिबल बाइकर पे। आपसे लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।